फर्स्ट ऑफ ऑल सबका थैंक्स करना चाहूँगा, इसलिए कि सपोर्ट सबका मिला इसकी वजह से इतने शॉर्ट टाइम में हमने ये कर किया और बहुत अच्छे से किया। आपने देखा होगा स्क्रीनिंग में जगह नहीं रहती थी, फुल हाउस रहता था, ये इस बात को दर्शाता है कि हाँ फिल्में कितनी अच्छी आई थी, जिनको देखने के लिए लोग बैठे रहे और निकले नहीं। फिल्में भी आई, बहुत सारी फिल्में आई और इंडिया के बाहर से भी फिल्में आई, और ये इवेंट हमने लॉन्च किया जो 8 फरवरी को वेबसाइट, और 8 फरवरी के बाद ये 6 महीने के अंदर फटाफट जो हमें करना था वो हम कर गुजरे। सबके सपोर्ट से ये बहुत अच्छा रहा, और कुछ चीज़ें मिस हुई, जैसे कि मुझे 4 थिएटर चाहिए थे स्क्रीनिंग के लिए, नहीं मिल पाया, और मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं करूँ जुहू में ही करूँगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से हमने बुकिंग अपनी रख ली है, डेट फिक्स नहीं है लेकिन हॉल हमारा बुक है। तो बहुत अच्छा लगा और सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है जिस तरह से मिल रहा है, और एक अच्छी चीज़ें आई हैं खुल के, जो लोग शॉर्ट फिल्म बनाए हैं और डॉक्यूमेंट्री छोटी बड़ी फिल्में बनाई हैं, बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो कि बड़े पर्दे पे चलना उनका उतना सपना था कि कभी चलेगी, लोग सोचे नहीं थे, सरप्राइज मिला है लोगों को, और मार्केट में भी चर्चा है और आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हो। आई होप कि सब कुछ अच्छा ही जाए, नेक्स्ट ईयर में और अच्छा करूँ, और राम भाई और तमाम लोग हैं, अब नाम लूंगा तो बहुत लोग हैं, सबके सपोर्ट से ही चली हुआ है, बहुत अकेले से कुछ होता नहीं है, विदाउट टीम तो कुछ भी नहीं होता है। आप लोग भी और मीडिया को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, बहुत बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मैं अयूब भाई और छोटे के साथ में जुड़ा हूँ काफ़ी दिनों से, और सोने पे सुहागा हमारे सुनील पाल जी भी हमारे साथ हैं, जहाँ हर जगह रहते हैं दिलीप सेन और सुनील जी, तो इनको बधाई दूंगा और आगे बढ़े। और संस्था जर्मन में भी कार्यक्रम करने वाली है, तो मैं तो इनके साथ जुड़ा हुआ एक सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। जी, आज सिनेफ्लिक्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का फिनाले है, स्क्रीनिंग भी यहीं पर थी और अयूब भाई ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, तो क्या कहना चाहेंगे आज के अवार्ड में विश करना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन्स, मैं इतनी खुश हूँ कि यहीं पे स्क्रीनिंग हो रही है, यहीं पे अवार्ड दिया जा रहा है, और ऐसे आई लुक फॉरवर्ड टू सच इवेंट्स, एंड बहुत अच्छा लगता है, यू नो, ये होते रहना चाहिए। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और इसके बाद भी करते रहेंगे, एंड हम हमेशा हैं अयूब भाई के साथ, तो हमने बहुत पहले फिल्म की थी एंड आज तक रिलेशनशिप है हमारी, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर अयूब भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम। जर्नलिस्ट एंड जूरी दो बहुत जेजेई है और फेस्टिवल ऑफ सिनेफ्लिक्स आज फिनाले है, बहुत तारीफ है जूरी की कि उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में सेलेक्ट की थी, तो क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल के? देखिए, पहले हम लोगों को लगा था कि पहला एडिशन है फेस्टिवल का, तो शायद उस तरह से एंट्रीज ना आ पाए, लेकिन वर्ल्ड वाइड 300 फिल्में आई हमारे पास और हमारी जूरी ने सारी फिल्में देखी, और उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन सिनेमा दर्शकों के सामने आया, और जिस तरह से अवार्ड दिए गए हैं वो आपके सामने होंगे, तब हमारी तरफ से द बेस्ट सिनेमा को हमने सिलेक्ट करने की कोशिश की है। सिनेमा सभी अच्छा होता है, लेकिन उसमें से जो हमारे क्राइटेरियाज होते हैं सिनेमेटोग्राफी कंटेंट को लेके, एडिटिंग को लेके, साउंड को लेके, उन सारों को ध्यान में रख के जो बेहतरीन हो सकता था वो हमने सिलेक्ट करने की कोशिश की। क्या कहना चाहेंगे आज फिनाले है, दो दिन आपने फिल्में देखी यहाँ पे, वर्ल्ड की कोरियन फिल्म, इंग्लिश फिल्म, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सारी भाषाओं की फिल्में थी, 13 भाषा की फिल्म, 13 फिल्म्स आई थी। सिने ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को मैं विश करना चाहूँगी कि ऐसे ही आगे और ऐसे ही फिल्म फेस्टिवल्स करते रहें, बिकॉज फिल्म फेस्टिवल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे कल्चर से फिल्म आती हैं, बहुत सारी जगह से फिल्म आती हैं, हमें उन सब के बारे में पता चलता है कि उनकी टेक्नीशियंस कैसी है, उनकी टेक्निकलिटी कैसी है, फिल्म का बनाने का तरीका कैसा है, वो कैसे फिल्म बनाते हैं, किस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाते हैं, वर्ल्ड वाइड हमें उनका कल्चर जानने को मिलता है और हमें अपना कल्चर दिखाने को मिलता है, सो इट्स वेरी गुड। और ये पूरा मतलब जो लेन देन है फिल्मों के लिए या फिल्मों के तरीकों के लिए, इट्स वेरी गुड। नीतू जी, पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई और अवार्ड के साथ पहला अवार्ड भी मिल गया है और बहुत अच्छा लग रहा है आपके नाते, तो कैसा लग रहा है कि आज आपकी मेहनत रंग ला रही है? फिल्म को जब बाबा धर्मराव
आतरम बहुत रियलिटी की एक फिल्म है, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने नक्सलवाद एरिया में बहुत काम किया है और उनके ऊपर फिल्म बनाने का ये हमें मौका मिला, बहुत बड़ी बात है। एंड स्पेशली मेरे होनर डायरेक्टर भूषण, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इसी का नतीजा है कि आज हमें ये अवार्ड मिला है। सो दिस अवार्ड इज फॉर भूषण। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बेहतरीन, इज माय मेंटर, ही हैज टॉट मी एवरीथिंग अबाउट फिल्म राइटिंग। जूरी ने भी फिल्में देखी और मैंने 14 लोगों की जूरी बनाई थी ताकि नाम छापी ना हो, और एक एक फिल्म को मैंने कई कई लोगों को दिखा ताकि ईमानदारी से हर कोई का रिजल्ट आएगा, फिर मैं मैच करने के बाद उसे फाइनल करूँ। और हर किसी ने मुझे कहा कि सर ये फिल्म आपको देखनी चाहिए, फिर मैंने इस फैसले में भी टाइम निकाल के देखा और बहुत बहुत अच्छा मैसेज। पहले तो जो भी ऑर्गेनाइज करता है फिल्म फेस्टिवल शॉर्ट फिल्म्स के लिए, यंग फिल्म मेकर्स के लिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ ही से सब कुछ होने वाला है। द न्यू वेव ऑफ इंडियन डायरेक्टर्स एंड राइटर्स विल इमर्ज फ्रॉम हियर ओनली, व्हिच विल डिफाइन द नेक्स्ट 20 इयर्स एटलीस्ट ऑफ सिनेमा। तो ये जो कर रहे हैं एक्चुअली इन मेनी वेज एक थैंकलेस जॉब होता है, इतना मतलब लोग पागल नहीं हो जाते, लेकिन इट इज एक्चुअली द बेडरॉक, मतलब जहाँ से गंगोत्री है जहाँ से सब शुरू होने वाला है। और आई एम टोटली अप्रिशिएटिव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड आई एम सो प्राउड कि अपनी सभा की फिल्म मैं को इतना लव मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। आई एम सो प्राउड कि जो फिल्म हम की स्क्रीनिंग के लिए हम लोग आए विल इंस्पायर अदर्स। सभा तो बहुत जमाने से लिख रही है लेकिन आई फील कि जैसे एक नई शुरुआत है उनकी लाइफ में, नई शुरुआत है उसकी फिल्म एज अ फिल्म मेकर। शी इज अ वेरी वेटरन राइटर, बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट यू फाइंड न्यू एनर्जी। और सभा इवन दो इतने सालों से काम कर रही है, इतने सालों से लिख रही है, उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि शी इज अ न्यू कवर। जैसे कि मैं भी ऐसे ही रोज समझता हूँ मैं एक न्यू कवर ही हूँ, सोचना ही नहीं चाहिए कि मैंने इतने साल काम किया, क्योंकि फिर हम लोग हमारा सीखना बंद हो गया। बट सर थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग एंडेवर ऑफ योर्स। थैंक यू रियली सर। ये हमारे छोटे सो माय फिल्म हैज बीन सिलेक्टेड। Like there were 14 jury members, Ayub sir ne bataya, and they all loved the film. It's called The Imam and it is dedicated to Mr. Boman Irani because Boman sir is my mentor. Unhone mujhe film writing sikhai hai, to jo kuch bhi film mein aap dekhenge wo unki badolat hai, and I really want to thank him for coming, and I want to thank Ayub sir and the entire Cine Dreams team for organizing this.